फ्रेंड्स, ट्विटर के अंदर आप अपनी अकाउंट कैसे बनाएंगे, ट्विटर के अंदर आप अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ट्विटर के अंदर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में ट्विटर एप्लीकेशन को, ट्विटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में ट्विटर ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप प्ले स्टोर के सर्च बार में सर्च करेंगे ट्विटर। ट्विटर सर्च करने के बाद इस तरह से आपके सामने इसका लोगो दिखेगा। आप इसे अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जो है ना ओपन का ऑप्शन दिखा रहा। फ्रेंड्स, मैं ट्विटर एप्लीकेशन को क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ट्विटर ऐप को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बैक जाके आप अपने डिवाइस के अंदर जिस भी जगह में आपका ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ, जिस भी जगह में आपको ट्विटर का लोगो दिखे, उसके ऊपर क्लिक करके आप ट्विटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो करेगा और ये लोडिंग हो रहा है और आपके सामने ट्विटर का पहला पेज ओपन हो गया। ये पहला इंटरफेस है। अगर आप ट्विटर के अंदर अकाउंट बनाना चाहते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपका पहले से ऑलरेडी कोई अकाउंट है ट्विटर के अंदर, कोई प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पे देखिए हैव एन अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन, हैव एन अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप अपना ट्विटर प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। आप अपना ट्विटर अकाउंट के अंदर साइन इन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ट्विटर का प्रोफाइल नेम, जो नाम आप रखना चाहते हैं, जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। अगर आप फोन नंबर से ट्विटर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फोन नंबर एंटर करेंगे और अगर आप ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। मैंने अपना फोन नंबर एंटर कर दिया। फोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप जो है ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज ईमेल इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर क्लिक करके फिर से जो है ईमेल एड्रेस फिलअप करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया। नंबर एंटर करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक जो है टिक का मार्क है, यहाँ पे अगर आपका मार्क नहीं लगा होगा तो आप मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट योर अकाउंट, आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट कीजिए बोल रहा है। यहाँ पे आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई फोन नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपका नंबर गलत रहेगा तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके नंबर को आप दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मेरा नंबर सही है इसलिए मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। इस नंबर में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। एक 6 डिजिट का कोड, जिस भी नंबर्स को आप इंटर करेंगे, जिस भी नंबर से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट का कोड जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आप ईमेल आईडी से ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, ईमेल आईडी से ट्विटर के अंदर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो ईमेल आईडी के अंदर ये 6 डिजिट का कोड ईमेल एड्रेस के अंदर सेंड होगा। आप जिससे भी अकाउंट बनाए, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से, उसके अंदर 6 डिजिट का जो कोड जाएगा, उस 6 डिजिट के कोड को आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एंटर करना है। और अगर मोबाइल नंबर से बनाते फ्रेंड्स और ये नंबर आपका इसी फोन के अंदर है जिस फोन से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका ये कोड डिटेक्ट कर लेगा, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये नंबर किसी दूसरे फोन के अंदर है तो उस फोन में ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्विटर का एक पासवर्ड चूज करना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये आपके सामने पेज ओपन हो गया, पिक अप प्रोफाइल पिक्चर। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने बोल रहा है ट्विटर के अंदर। आप जो प्रोफाइल पिक लगाना चाहते हैं उस प्रोफाइल पिक को आप यहाँ से लगा सकते हैं।
प्रोफाइल पिक लगाने के लिए आपको कैमरा वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो करेगा, टेक फोटो, चूज एग्जिस्टिंग फोटो। अगर आप फेस टू फेस कैमरा से अभी फोटो लेके अपलोड करना चाहते हैं तो टेक फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, और गैलरी से अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो चूज एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं गैलरी से लेना चाहता हूँ, गैलरी से अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने चूज एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं अपना गैलरी से कोई सा भी फोटो जो है अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक फोटो है, इस फोटो के ऊपर जिस भी फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने जो है आपका फोटो शो करेगा, दिखाई देगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद ऊपर में देखिए एक अप्लाई का ऑप्शन है, सही से बराबर कर लीजिए। अप्लाई के ऑप्शन है, उस अप्लाई के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जो ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका जो है आपके प्रोफाइल पिक के तौर पर सेव हो जाएगा। नहीं करना चाहते फोटो अपलोड तो स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। मैंने अपना फोटो अपलोड करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप यहां पे पहुंच गए इस पेज के अंदर। आपको करना क्या है, यहां पे आपको अपना बायो इंटर करना है, बायोडाटा इंटर करना है। बायोडाटा जो भी आप अगर टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप कोई जॉब करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप यहाँ पे आप अपना बायोडाटा एंटर कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप कोई एड्रेस भी इस जगह में आप जो है एंटर कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जो नीचे देख रहे हैं आप। मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना जो लैंग्वेज चूज करना चाहें उस लैंग्वेज को आप चूज कर लेंगे। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सा भी 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सारे को, ऑल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है, लाइफ स्टाइल, न्यूज़, टीवी, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं कुछ भी तो आप नीचे देखिए स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे आपके सामने आपको सजेशन कर रहा है इन लोगों को फॉलो करने के लिए, जो आपके सामने ट्विटर का प्रोफाइल दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन लोगों का जो प्रोफाइल आपके सामने शो हो रहा दिख रहा है, इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर फॉलो नहीं करना चाहें तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉलो करना चाहें तो फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे। हर एक प्रोफाइल नाम के सामने, प्रोफाइल के सामने फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो के ऊपर क्लिक करके सारे फॉलो यहां पे शो करेगा नीचे, और आप फॉलो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस तरह से आप ट्विटर के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्विटर के अंदर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।